हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। ये न्यूक्लियर फिजिक्स की लास्ट यूनिट होगी डिटेक्टर्स, ठीक है। डिटेक्टर एक पूरी यूनिट को कवर करते हैं और इजी टॉपिक है, थोड़ा सा समझने लायक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। जैसे जैसे आप टॉपिक करते जाओगे आपको हर किसी की सिस्टम समझ आने लग जाएगी। आज अपने कल अपनों ने किया था डिटेक्टर्स क्या होते हैं, पर थोड़ा सा जल्दी से करते हैं क्योंकि डिटेक्टर का कल जो बेसिक प्रिंसिपल था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो कल अपनों ने देखा था डिटेक्टर्स क्या होते हैं। डिटेक्टर एक ऐसी डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे चार्ज फाइंड आउट करेंगे या फिर उसकी एनर्जी या किसी रेडिएशन या चार्ज पार्टिकल की एनर्जी या फिर उसका मोमेंटम या फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि रेडिएशन या ये जो चार्ज पार्टिकल एमिट हो रहा है वो क्यों कैसा है उसकी पहचान करेगा, ठीक है। तो जो डिटेक्टर्स का काम क्या होता है कि कोई पार्टिकल किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में या किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से रिलीज हो रही है तो उसका चार्ज फाइंड आउट करना है या उस रेडिएशन या पार्टिकल की एनर्जी फाइंड आउट करनी है या उनका मोमेंटम फाइंड आउट करना है या उनको आइडेंटिफाई करना है कि जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में या किसी भी टाइप की रिएक्शन में कोई पार्टिकल या रेडिएशंस एमिट हो रही है तो उन रिएक्शन को करवाने के बाद हमें उन रेडिएशंस या पार्टिकल को पहचानना है कि वो पार्टिकल कौन से है, वो रेडिएशन कौन से है। हम उनको डिफ्रेंशिएट उसके चार्ज के थ्रू भी कर सकते हैं, उसके हो सकता है उसके ऊपर चार्ज को ध्यान करके अपने को पता चल जाए, चार्ज फाइंड आउट करके कि वो किसके इक्विवेलेंट है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है अपने को पता, प्रोटॉन पे कितना होता पता है। तो इन सब चीजों से अगर हमें चार्ज पता चल जाए तब भी हम किसी पार्टिकल की मतलब हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या उसकी एनर्जी मोमेंटम या फिर कंप्लीटली उस पार्टिकल को पहचान करने के लिए जिन डिवाइसेस की हमें जरूरत पड़ती है उन डिवाइसेस को संसूचक या डिटेक्टर्स बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया था डिटेक्टर अलग अलग हो सकते हैं, गैस डिटेक्टर भी हो सकते हैं, लिक्विड बेस्ड डिटेक्टर भी हो सकते हैं या सॉलिड बेस्ड भी हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में अभी गैसियस डिटेक्टर है, हम कर रहे हैं गैसियस डिटेक्टर। और मैंने आपको बताया था गैसियस डिटेक्टर भी फर्दर तीन टाइप का होता है। एक का क्या बताया था, आयोनाइजेशन चैम्बर, कल मैंने आपको बताया था। ये कल हमने बहुत ही बेसिक किया था क्योंकि हम जब टॉपिक को शुरू करते हैं ना तो उसको थोड़ा ज्यादा डीपली बताना पड़ता है। दूसरा था हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर, जिसको समानुपातिक गणक भी बोलते हैं। और तीसरा था मेरा जीएम काउंटर, जिसको गीगर मूलर काउंटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये तीनों काउंटर कैसे बने हैं ये मैंने आपको कल थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। वापस से उस एपरेटस को पढ़ते हैं, बेसिक प्रिंसिपल फॉर द गैसियस डिटेक्टर्स प्रिंसिपल फॉर द गैसियस डिटेक्टर्स प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टर बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस या प्रिंसिपल ऑफ गैसियस डिटेक्टर कुछ भी हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टर्स बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन, मतलब आयनन के आयनन पर आधारित डिटेक्टर्स का प्रिंसिपल, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। देखो ये हमने कल हमने शुरू किया था, मैंने आपको आयोनाइजेशन बताया था कि किस तरीके से होता है। आज मैं वो चीजें तो नहीं बता रही हूँ, हम उसको आगे से कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या लिया था, एक मेटालिक चैम्बर लिया था, जैसे ये एक मेटालिक चैम्बर है। कल चैम्बर की शेप पूरी स्क्वायर थी, आज हम सिलेंड्रिकल चैम्बर ले रहे हैं, ठीक है। ये एक मेटालिक चैम्बर है, इसकी एक्सेस के या चैम्बर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि थोड़ी सी स्पेस अपने को चाहिए, यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये मैंने क्या लिया, एक मेटालिक चैम्बर, कैसा सिलेंड्रिकल मेटालिक चैम्बर। और इस मैंने क्या किया था, चैम्बर के एक्सेस के लोन एक वायर लगाई थी, थिन वायर, वो भी मेटालिक वायर थी। और उसको मैंने क्या किया था, चैम्बर को मैंने क्या किया था, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, है ना। तो मैंने किसी वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और फिर मैंने क्या किया था, ये जो वायर लगाई है मैंने एक्सिस के अलोंग, इस चैम्बर के एक्सिस के अलोंग की वायर लगी है ना, तो उस एक्सिस के अलोंग जो वायर थी मैंने उसको किसी लोड रेजिस्टेंस आरएल से कनेक्ट किया। और आरएल से कनेक्ट करने के बाद इसको क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो ये एज अ कैथोड एनोड की तरह काम करेगी और ये जो
चैम्बर की बॉडी है ये एज अ कैथोड की तरह काम करेगी। कैसे काम कर रही है हमें पता है, क्योंकि जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं वो वाला इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड काम करता है, जो पॉजिटिव से वो एज एनोड काम करता है। लोड पे क्या करेंगे हम, कोई एम्पलीफायर्स लगा देते हैं। एम्पलीफायर क्या करेंगे, जो हमें आउटपुट में पल्स मिल रही है उसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसको पल्स काउंटर या फिर एम्पलीफायर्स बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पल्स काउंटर और एम्पलीफायर। एम्पलीफायर को मैं एम्प लिख रही हूँ, ठीक है। एम्पलीफायर का एक बार इतना काम ध्यान रखो, एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा टॉपिक आता है, एक बार के लिए इतना ध्यान रखो कि एम्पलीफायर क्या करते हैं, आउटपुट में जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई काम करेगा। एम्पलीफायर मतलब अगर इतनी सी सिग्नल मिले उसको बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। मतलब आउटपुट को इंक्रीज करने का काम करेगा ताकि उसको हम अच्छे से स्टडी कर सके। अब चैम्बर के अंदर मैंने क्या बोला था, गैस भरी हुई है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल भी आपको पता होगा क्यों लगाए गए हैं, ताकि एनोड और कैथोड के बीच का जो कॉन्टैक्ट है उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। एनोड और कैथोड दोनों एक दूसरे को टच ना करें, इसीलिए इन दोनों के बीच में तो इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया ताकि दोनों आपस में इनका कॉन्टैक्ट प्रिवेंट हो सके, ठीक है। तो अब देखो उसके अंदर क्या करना था, किसी सूटेबल प्रेशर पे कोई गैस भरी हुई है, गैस या तो नियोन मतलब कोई नॉबल गैस होती है या फिर हाइड्रोजन या एयर होती है, ठीक है। कोई भी गैस होगी, पेपर में ये कोई पर्टिकुलर पूछा नहीं जाता कौन से चैम्बर में कौन सी गैस फिल की जाती है, तो कोई गैस है, ठीक है। फिर अपनों ने क्या करना है, कोई आयोनाइजेशन, कोई आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल एंटर कराना है, या कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन या कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से या कोई भी रेडिएशन जो भी एमिट हुई वो हमने क्या किया, इस चैम्बर के अंदर एंटर करवा दिया। जैसे इस चैम्बर के अंदर एंटर किया तो मुझे पता है इसके पास क्या है, ये जो भी पार्टिकल है हमारे पास, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, गैस के मॉलिक्यूल से टकराएगा, ये मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं, तो देखो जैसे ये हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल जो किसी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलीज हुए या कोई रेडिएशन कुछ भी जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, वो जैसे इस चैम्बर के अंदर एंटर करेगी तो ये स्ट्राइक इस पे करेगी, इन्हीं मॉलिक्यूल से करेगी। जैसे ही मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगी तो ये सबसे पहले इंटरेक्शन किससे होगा, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होना और एक क्या बनता है, पॉजिटिव आयन। फिर सर्किट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसकी ओर मोशन करेंगे, एनोड की ओर, एनोड मतलब सेंट्रल वायर की ओर, सेंट्रल वायर एनोड का काम कर रही है और जो पॉजिटिव आयन होंगे कैथोड की ओर काम करेंगे। अब चार्ज के फ्लो हो रहे हैं मतलब सर्किट के अंदर करंट बन रहा है और यही लोड रेजिस्टेंस आउट, जब जैसे ही वो करंट इस लोड रेजिस्टेंस से पास आउट होगा तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो हमें पता ही है। तो यहाँ से हमें पल्स मिलेगी और इसी पल्स को स्टडी करके पता चलता है कि जो चार्ज पार्टिकल डाला था वो कैसा था, ठीक है। ये तो कल हमने किया था, आयोनाइजेशन कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बताया। अब देखो, अब अलग अलग काउंटर बने कैसे थे, काउंटर अलग अलग बने थे इस वोल्टेज सोर्स के कारण। इस वोल्टेज सोर्स को इस तरीके से सेट किया जाता है कि काउंटर्स के काम बदलने लग जाते हैं। कई काउंटर्स ऐसे होते हैं जो चार्ज बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कई काउंटर्स ऐसे होते हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट बहुत अच्छे से करते हैं, कई डिटेक्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं, कई डिटेक्टर्स ऐसे होते हैं या इतने हम बोल सकते हैं सेंसिटिव होते हैं कि वो लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो अलग अलग वोल्टेज को वैरी करके हमारे पास अलग अलग तीन गैसेस काउंटर आए थे जो मैंने आपको बताया, एक है गीगर मूलर काउंटर, एक है प्रोपोर्शनल काउंटर और एक हमारा कौन सा काउंटर है, आयनाइजेशन काउंटर। जो ग्राफ बनता है वोल्टेज और करंट के बीच में वो ग्राफ मैं इधर बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ये जो पल्स का सोर्स है ना ये एक बार मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ग्राफ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो फिर वहां पे पूरा नहीं आएगा, यहाँ पे मैं ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये वोल्टेज एट एक्स एक्सिस है और करंट एट वाई एक्सिस है। इस करंट को आयनाइजेशन करंट बोलेंगे, मैं आपको कल बता चुकी हूँ क्यों आयनाइजेशन करंट बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है ये करंट फ्लो किसके कारण हो रहा है, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, गैस के अणुओं की आयनाइजेशन होने के कारण ये करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो, अब वोल्टेज को वैरी करवाते हुए कैसे करंट की वैल्यू चेंज हो गई है, कैसे अपरेटस काम करता अपने वो देखते हैं। ग्राफ को है तो अलग स्लाइड पे ही बना लेते हैं क्योंकि ग्राफ बहुत बड़ा है, ठीक है। ये वोल्टेज एट एक्स एक्सिस और ये आयनाइजेशन करंट एट वाई एक्सिस, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मैं वो छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ, अब वो सिलेंड्रिकल के बजाय डायरेक्ट स्क्वायर मेटालिक ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है। ये मेटालिक ट्यूब, ये सेंट्रल वायर, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स, और इसको क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, लोड आरएल से, और ये डन, ठीक है। गैस भरी हुई है, आयनाइजेशन चार्ज पार्टिकल या कोई भी चार्ज पार्टिकल या रेडिएशन जिसको डिटेक्ट करना है वो इसके अंदर एंटर कर रहा है। अब देखो इनिशियली जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर किया, हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को एक बार हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं की। जब वोल्टेज ही नहीं अप्लाई की तो कोई एनोड नहीं बनेगा, कोई कैथोड नहीं बनेगा। जब कोई एनोड और कैथोड ही नहीं है और कोई आयनाइजेशन चार्ज पार्टिकल, हम बिल्कुल इनिशियली बात कर रहे हैं एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब जब हमने सर्किट के अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर ही नहीं करवाया, ना ही कोई वोल्टेज सोर्स लगाई, तो उस टाइम करंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। जब कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है तो करंट जीरो। अब देखो हमने क्या किया, वोल्टेज को क्या किया, धीरे धीरे बढ़ाया, और यहां से क्या किया, चार्ज पार्टिकल या रेडिएशन को एंटर करवाया। मैं चार्ज पार्टिकल बोल रही हूँ तो आप रेडिएशन भी समझ लेना, जिन रेडिएशन या पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने उनको एंटर करवाया, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर एंटर करवाया तो अपने को पता है कि वो गैस के पार्टिकल्स है, वो अपनी स्ट्राइक करेगा और अपनी एनर्जी क्या देगा, कुछ पार्ट एनर्जी का दे देगा गैस के अणुओं को। जैसे ही गैस के अणुओं को वो ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इंटरेक्ट करेंगे, तो वो एनर्जी को गेन करेंगे और अपनी शेल को छोड़ के रिलीज हो जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन बनेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, साथ में हमारे पास क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन। अब मेरे पास जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर किया, इलेक्ट्रॉन भी बन गए और पॉजिटिव आयन भी बन गए। इस टाइम वोल्टेज को क्या किया, मैंने जीरो से कुछ बढ़ाया वी वन पे ले, लेकिन वोल्टेज इतनी ज्यादा नहीं आती इस केस में। जैसे ही ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं शुरू में सीधा इतनी वोल्टेज नहीं दी जाती, धीरे धीरे इस प्रोसेस को किया जाता है। तो जैसे इसकी वोल्टेज को कुछ वैल्यू बढ़ाते हैं उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव आयन है उनको, देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, सबसे पहली बात तो है जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस टू प्लस, सॉरी प्लस टू माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ अपने आप ही जनरेट होगा, क्योंकि हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, बैटरी लगाई है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ना। तो मतलब क्या, अब जो भी आयंस बनते हैं इन आयनाइजेशन के कारण वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सब्जेक्टेड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्हें मोशन करनी पड़ेगी, तो उनकी मोशन के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आता है ना। और जैसे अपने को ये भी पता होता है कि इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव आयंस है वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की ओर मोशन करते हैं। रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि अंडरस्टूड बात है, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव आयंस हमेशा कैथोड की ओर जाएंगे, उल्टा नहीं होगा कभी भी, है ना। तो जैसे ही वोल्टेज को मैंने धीरे धीरे बढ़ाया और आयनाइजेशन चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया, साथ में क्या बने, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स बन गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव आयन है ये क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन इस एनोड की तरफ आना शुरू करेंगे और ये जो पॉजिटिव आयन है ये इस कैथोड या बॉडी की ओर जाना शुरू करेंगे। लेकिन एट इनिशियली जब हमने इस प्रोसेस को बिल्कुल शुरू किया उस केस में जो वोल्टेज हमने अप्लाई करते हैं वो जीरो के इक्वल नहीं होती। कोई वी वन वोल्टेज लगाई है लेकिन उसकी वैल्यू इतनी हाई भी नहीं होती कि सारे के सारे पॉजिटिव आयंस और जितने सारे नेगेटिव आयंस बने हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स बने हैं वो सारे के सारे एनोड और कैथोड्स पे कोलेक्ट होने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को भी कुछ एनर्जी मिली थी तभी वो रिलीज हुए थे। इस केस में वो अपनी एनर्जी का यूज क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन कहीं पड़ा और साथ में कहीं पॉजिटिव आयन बना था तो ये आपस में क्या होता है, रिकम्बाइन होना शुरू हो जाता है। रिकम्बाइन क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो एनोड्स होते हैं इनको अपनी तरफ या ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आयंस को अपनी तरफ उतना ज्यादा एक्सिलरेट नहीं कर पाते क्योंकि शुरू में वोल्टेज इतनी हाई नहीं होती, तो जिसके कारण क्या होता है करंट की वैल्यू मिलती है लेकिन थोड़ी कम मिलती है, ठीक है। मतलब पल्स हाइट जो है वो मिलती है लेकिन इतनी ज्यादा हाइट का पल्स नहीं मिलेगा। देखो इस केस में क्या हुआ, पहले केस में जब वोल्टेज को क्या किया, जीरो से कोई वोल्टेज वी वन पे लेके गए, उस केस में हमारे पास क्या हुआ कि वोल्टेज की वैल्यू तो आई लेकिन एनोड और कैथोड की तरफ ये जो आयंस है वो उतना ज्यादा एक्सिलरेट नहीं हो पाते। वो ज्यादा एक्सिलरेट क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू एक बार कम है और आयंस के पास ऑलरेडी एनर्जी है। किसके कारण एनर्जी है, उस चार्ज पार्टिकल या रेडिएशन के स्ट्राइक करने से जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुआ उसके कारण उनके पास ऑलरेडी एनर्जी थी, जिसके कारण वो एनोड्स पे तो नहीं पहुंच पाते ज्यादा,
ज्यादा अमाउंट में, लेकिन आपस में जुड़ना जरूर शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेगा, इस पॉजिटिव आयन को ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण यहाँ पर रिकम्बिनेशन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करंट की वैल्यू आती है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आयन रिकम्बाइन हो जाते हैं, कुछ मात्रा में करंट की वैल्यू आती है, जिसकी पल्स की हाइट को मैंने ऐसे शो किया है। ठीक है, मान लो कि उस टाइम जो हमारे पास जो हाइट मिली है वो कुछ इस तरीके की है। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इस रीजन को रिकॉम्बिनेशन रीजन बोला जाता है। देखो अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू पर हमारे पास 6 रीजन बनते हैं इस केस में, डिटेक्टर्स में। इस बेसिक प्रिंसिपल से आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा डिटेक्टर्स के बारे में। ठीक है, अगर मैंने देखो यहाँ पे अब एक ही चार्ज पार्टिकल की बात करें, अगर मैंने दो तरीके की चार्ज पार्टिकल एंटर करवाए होते, एक की एनर्जी होती E1 और एक की होती E2, और E1 इज ग्रेटर देन E2 होती, तो जैसा जितनी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी होगी, जिस रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा आयंस बनाएंगे, और जिन चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी कम होगी वो कम आयंस बनाएंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी अभी भी होगी टकराने के बाद, वो फिर मोशन तो कर ही रहे इस पूरे चैम्बर के अंदर, तो वो अदर पार्टिकल से टकराते रहेंगे, अदर अणुओं से टकराते रहेंगे, जिसके कारण आयंस ज्यादा बनेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी जिस कण की या जिस रेडिएशन की जिसको मैं डिटेक्ट करना है, वो ज्यादा आयनाइजेशन करेगा, जिसकी ऊर्जा कम होगी वो कम आयनाइजेशन करेगा। और कम आयनाइजेशन या ज्यादा आयनाइजेशन कैसे होता है ये चीज आप समझते हो, क्योंकि अगर उसके पास एनर्जी अभी भी बची होगी इंटरेक्शन के बाद, तो वो आगे भी मोशन कर रहा है, वो और जो पार्टिकल या जो अणु उसके रास्ते में आएंगे उनसे टकराता जाएगा। ठीक है, तो मैं दो पल्स साइड शो कर रही हूँ, एक पल्स साइड मैंने शो की है लेस एनर्जी चार्ज पार्टिकल की जिसकी हाइट कम आई है, और एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल की। ये रीजन इस तरीके से करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इस केस में अभी रिकम्बिनेशन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा अट्रैक्ट या एक्सिलरेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू अभी कम है। अब इस केस में देखो रिकम्बिनेशन हो रहा था, इसलिए इसका नाम दे दिया रिकम्बिनेशन रीजन। अब देखो, अब जब ये जो डॉटेड लाइन शो कर रही है ना, इसका मतलब ये है कि अब वोल्टेज इतनी होगी है कि या V1 वोल्टेज इतनी इनफ हो गई है कि अब ये रिकम्बिनेशन को रोक सकती है। यहाँ पे धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, क्योंकि करंट बढ़ना है धीरे धीरे, इसका रीजन ये है कि आयन के पास भी ऊर्जा है, इलेक्ट्रोड जैसे जैसे इधर जा रहे हैं मतलब वोल्टेज बढ़ती जा रही है। V1 या ये जो डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि अब इतनी इनफ वोल्टेज अप्लाई हो गई है सर्किट के अंदर कि रिकम्बिनेशन रुक जाए। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव आयंस है इन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की ओर मोशन करना शुरू कर चुकी है। तो इस केस में जितने आयन बने थे, जितने भी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे V1 वोल्टेज अपनों ने कर दी, जैसे V1 वोल्टेज की, तो मैंने आपको बताया कि इस केस में क्या होगा, जहां पे भी कहीं पे इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे और जहां पे भी कहीं पे पॉजिटिव आयंस पड़ेंगे होंगे, पॉजिटिव आयंस इस बॉडी की तरफ जाने पड़ने लग जाएंगे, जो नीचे वाली साइड में होगा वो इधर वायर के निचले पास साइड होंगे, तो वो नीचे वाली बॉडी की ओर आने लग जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, और जो इधर वाली साइड वाले होंगे वो इधर आके इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस जितने बने थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया करंट की फॉर्मेशन में, करंट बनाने में, सर्किट में करंट फ्लो करवाने में, तो इस केस में सर्किट के अंदर क्या कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। कांस्टेंट क्यों करंट फ्लो होता है, क्योंकि जितनी आयंस ने जितनी एनर्जी यूज कर ली थी, जितने उन्होंने मतलब जितने आयंस थे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बने थे, वो सारे के सारे एनोड और कैथोड पे पहुंचना शुरू हो गए, जिसके कारण हमें क्या मिलती है, कांस्टेंट करंट मिलता है। इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र। अब संतृप्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रीजन में जो हमारे पास करंट मिलता है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, यानी पल्स साइड जो होगी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कांस्टेंट होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही सैचुरेशन रीजन में होती है, इसीलिए इस रीजन को बोला जाता है सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो इस रीजन को सैचुरेशन रीजन बोला जाता है, और इस रीजन में जो काउंटर काम करता है उसको आयनाइजेशन काउंटर बोलते हैं। जो मैंने आपको पहला काउंटर बताया, कौन सा काउंटर, गैसियस काउंटर में, कि तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं आयनन काउंटर या आयनाइजेशन चैम्बर लिखा था मैंने, यानी कि आयोनाइजेशन चैम्बर जिस रीजन में काम करता है वहां पे वोल्टेज क्या आती है V1 से V2 तक है, और करंट हमें कैसा मिला, कांस्टेंट करंट मिलने लग गया, क्योंकि अब V1 वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज आ गई है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन के रिकम्बिनेशन के बजाय उनको एक्सीलरेशन मिलेगा अपने अपने एनोड की, मतलब अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ, तो उस इलेक्ट्रोड की ओर मोशन करना शुरू कर देते हैं।
तो कांस्टेंट करंट मिलता है यहाँ पे, यानी संतृप्त धारा मिलती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सैचुरेशन रीजन। और इसी रीजन के अंदर आयनाइजेशन चार्ज पार्टिकल काम करता है, इसीलिए इसको आयनाइजेशन चैम्बर काम करता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है आयनाइजेशन चैम्बर या फिर आयनाइजेशन काउंटर रीजन। ठीक है, और बाकी मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे होता है। अब देखो वोल्टेज को क्या किया, V1 से V2 की, अब मैं वोल्टेज को और बढ़ाते जा रहे हैं अपने। तो इस वोल्टेज सोर्स का काम ये है कि वोल्टेज को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास जो हमारा चैम्बर्स है वो अलग अलग चैम्बर अलग अलग वोल्टेज रीजन में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखो वोल्टेज को हम लगातार बढ़ा रहे हैं। मान लो यहाँ पे V2 की वैल्यू कोई 200 थी, V2 कोई 200 था, मान लिया मैं ऐसे आपको फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। जब मैंने यहाँ पे गई वोल्टेज को मैंने V2 से कोई V3 की, और V3 मान लो मेरी 500 वोल्ट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया वोल्टेज को बढ़ा दिया, मुझे पता है मैंने जैसे वोल्टेज बढ़ाई है तो ये जो आयंस है या ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अब देखो अपनों ने क्या किया है वोल्टेज को क्या कर दिया V2 से बढ़ा के V3 तक जा रहे हैं, यानी 200 वोल्ट जो मैंने माननी है। कॉपी में ऐसे नहीं लिखना, कॉपी में तो सीधा लिखना कि वोल्टेज को V2 से बढ़ा के V3 पे कर रहे हैं। जैसे मैंने 200 मानी है, 200 को बढ़ा के मैंने 500 तक जा रहा है। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगी मुझे पता है इस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ आयंस को एक्सिलरेशन मिलना शुरू हो, क्यों वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो मतलब एनोड के ऊपर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, कैथोड के ऊपर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, मतलब आयंस इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयंस होंगे वो अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ एक्सिलरेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, अट्रैक्शन स्ट्रांग होता जा रहा है। अब देखो रास्ते में यहाँ पे मान लो आयनाइजेशन चार्ज पार्टिकल या जो चार्ज पार्टिकल जिसको डिटेक्ट कर रहा था उसने एंटर किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं कुछ पॉजिटिव आयंस बनते हैं। ठीक है, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ पॉजिटिव आयन मिले, अब ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव आयन है इनको एक्सिलरेशन मिलने लग गया, इनको खींचने लग गए इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को तो ये वायर अपनी ओर खींचने लगी, और ये जो पॉजिटिव आयन उनको ये बॉडी की वॉल्स अपनी ओर खींचने लगी। जब ये वॉल्स और ये जो आयन जो सेंट्रल वायर है आयन्स को खींचेगी तो ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी खींचना मतलब एनर्जी थोड़ी और ज्यादा हो जाना, जब इनको और ज्यादा एक्सिलरेशन मिलेगा मतलब ऊर्जा और ज्यादा मिलती जा रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव आयन है रास्ते में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ भी ये टक्कर शुरू कर देते हैं। कैसे होता है कि जैसे ये चैम्बर है ये गैस है, ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ये सेंट्रल वायर है, ये मेरा एनोड है, मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बता रही हूँ। ठीक है, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन पड़े हैं यहाँ पे, वोल्टेज लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है, इस एनोड की तरफ एक्सिलरेट होता जा रहा है, त्वरित ही होगा क्योंकि अपने को पता है F is equals to चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है, मतलब इसको एक पर एक फोर्स काम कर रहा है जिसको अपनी ओर खींचता जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज को बढ़ाते जाने के कारण जो फोर्स काम कर रहा है उसके कारण इलेक्ट्रॉन को एनर्जी और ज्यादा मिल रही है, क्योंकि इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर खींचना मतलब अपनी ओर किसी फोर्स से खींचना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे जैसे एनोड की तरफ जा रहा होगा ये रास्ते में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे ना गैस के अणु उनके साथ टकराएगा। अब ये भी एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन भी, अपने को पता है इस गैस के अणु के साथ टकराएगा तो अपनी एनर्जी का कुछ तो एक्सचेंज करेगा। अगर इसने अपनी एनर्जी का एक्सचेंज किया बाय चांस यहाँ पर क्या है ये गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मैंने इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, इसने क्या किया जैसे इसके साथ टकराया अपनी एनर्जी का एक्सचेंज किया इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होगा एक्साइट, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होगा रिलीज हो जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस एटम में क्या बचेगा पॉजिटिव आयन। तो मतलब अब क्या होता है या सेफ केस पॉजिटिव के साथ होता है, जैसे ये चैम्बर की वायर अगर हो मतलब ये बॉडी हो, अब ये पॉजिटिव आयन क्या इस या यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन पड़े या कहीं पे भी पड़े वो इस बॉडी की वॉल्स की ओर अट्रैक्ट होगा, जैसे ही अट्रैक्ट होगा ये पॉजिटिव आयन रास्ते में पड़े जितने भी गैस के अणु हैं उसके साथ टकराएगा, इस पॉजिटिव आयन ने टकराया और एनर्जी सबसे पहले किसको मिलती है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, वो जैसे कोई अगर हम किसी चीज को गर्म करते तो सबसे पहले एनर्जी उसकी सरफेस पे लगती है, सिमिलरली जैसे ही पॉजिटिव आयन से टकराया तो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, पॉजिटिव आयन टकराया पॉजिटिव आयन को तो ये क्या थोड़ा अपनी ओर खींच रहा है यानी कि इसको एनर्जी खींच रही है अपनी तरफ, तो अब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, जैसे इसके साथ टकराया एनर्जी थी या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुआ इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइटेड फिर से रिलीज और पॉजिटिव आयन बन गया, मतलब
जब वोल्टेज को V2 से V3 पर लेके गए, वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाई, ये चीज आपको पेपर में नहीं बनानी है, ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब वोल्टेज मेरी V2 से V3 जाने लगी, वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाया, उस केस में क्या होता है, ये जो प्राइमरी आयन बने हैं, यानी कि पहली बार जो चार्ज पार्टिकल या रेडिएशन एंटर किया उसके कारण जो आयन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन, उसको बोलते हैं प्राइमरी आयन, यानी कि प्राथमिक आयन, ठीक है। ये जो प्राइमरी आयन बने हैं या प्राइमरी आयोनाइजेशन हुआ है, वो क्या करते हैं, वापस गैस के अणुओं से टकराते हैं और फर्दर आयोनाइजेशन करते हैं, यानी कि जब एक गैस के, ये वाला मतलब पहली बार ये इलेक्ट्रॉन मान लो अपना बना चार्ज पार्टिकल के टकराने से, ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी आयोनाइजेशन, प्राइमरी लिखा मैंने, ठीक है, या प्राइमरी आयन बोलेंगे। और ये प्राइमरी आयन ने क्या किया, फिर से किसी गैस के मॉलिक्यूल से टकराया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और फिर से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बने। तो ये जो वापस से इन आयन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के कारण जो आयन बनते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी आयोनाइजेशन, यानी कि प्राथमिक आयनों के कारण जो वापस से आयोनाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं द्वितीयक आयन। इसी तरीके से सेकेंडरी आयोनाइजेशन में जो भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बनेंगे, उनको भी ये एनोड्स और कैथोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे, क्योंकि फोर्स एफ इज इक्वल्स टू ई इंटू ई लग रहा है, या क्यू इंटू ई होता है, क्यू चार्ज होता है। तो मतलब अब क्या होगा, सेकेंडरी आयोनाइजेशन हुआ, सेकेंडरी के साथ साथ टर्शियरी, यानी कि सेकेंडरी यानी द्वितीयक आयन जो बने, वो फिर से गैस के अणुओं से अपने आसपास वाले अणुओं से टकराएंगे, ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो मतलब सेकेंडरी से बना टर्शियरी यानी द्वितीयक आयोनाइजेशन, वो टर्शियरी से फर्दर आयोनाइजेशन गैस में शुरू हो जाता है। फर्दर आयोनाइजेशन क्यों शुरू हुआ, ये समझ आपको आया होगा, क्योंकि वोल्टेज को मैं क्या कर रही हूँ, और ज्यादा बढ़ाती जा रही हूँ। जैसे जैसे वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो मुझे पता है एफ इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन प्राइमरी आयोनाइजेशन से बने, प्राइमरी आयोनाइजेशन मतलब जो चार्ज पार्टिकल या जो रेडिएशन जिसे हमें डिटेक्ट करना था, उसके कारण जो आयन बने, उसको हम प्राइमरी आयोनाइजेशन बोलते हैं या प्राइमरी आयन्स बोलते हैं। तो प्राइमरी आयन्स क्या, अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ एक्सीलरेट होंगे। जब ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ एक्सीलरेट होते हैं, तो रास्ते में या इनके पाथ में जितने गैस के मॉलिक्यूल आएंगे, उनसे टकराएंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बनेंगे, यानी सेकेंडरी आयोनाइजेशन होगा, क्योंकि पहले आयोनाइजेशन के कारण फिर से आयन्स बने, उसको सेकेंडरी आयोनाइजेशन बोलते हैं। और सेकेंडरी आयोनाइजेशन के बाद वो पार्टिकल फिर से, यानी आयन्स फिर से अट्रैक्ट होंगे अपने इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि वोल्टेज लगातार बढ़ती जा रही है, तो जो और इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो और गैस के अणुओं से टकराते रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, टर्शियरी या इसी तरीके से आयोनाइजेशन चलता रहता है। अब देखो इस रीजन में, इस रीजन को बोलते हैं, यानी कि अब इस रीजन में क्या होता है, जितने और ज्यादा आयन्स बनते जा रहे हैं, यानी कि जो आउटपुट में जो करंट मिल रही है, उसकी पल्स आउट क्या, पल्स हाइट क्या है, बढ़ती जाएगी, एकदम से वो हाइक होती है, ऊपर जाती है। ये मैंने हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल के लिए शो कर रही हूँ, ये लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल के लिए। इस रीजन को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी रीजन। यानी कि समानुपातिक क्षेत्र, इसी रीजन में काम करता है हमारा समानुपातिक प्रोपोर्शनल काउंटर, हमारा इसी रीजन में काम करता है। देखो इस रीजन का नाम प्रोपोर्शनैलिटी रीजन क्यों रखा मैं आपको वो बताती हूँ। पल्स हाइट एकदम से बड़ी, आपको वो चीज समझ आएगी, क्योंकि आयन्स ही बहुत ज्यादा बनने शुरू हो गए, और जो इतने ज्यादा आयन्स बनते रहते हैं, उसको बोलते हैं गैस मल्टीप्लीकेशन। मतलब मल्टीप्लीकेशन मतलब गैस के अंदर मल्टीपल ऑफ आयन्स अब बनने शुरू हो गए हैं। गैस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, देखो ये रीजन को प्रोपोर्शनैलिटी रीजन ही क्यों बोलते हैं। इसका रीजन ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे कलेक्ट हो रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड या कैथोड पे जो आयन्स आते जा रहे हैं, वो प्राइमरी आयोनाइजेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल किसी डिटेक्टर के अंदर एंटर कराया, तो मतलब ज्यादा आयन्स कलेक्ट होंगे इलेक्ट्रोड पे, अंडरस्टूड बात है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर किसी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा, वो गैस के अणुओं से टकराता है, तो वो ज्यादा आयोनाइजेशन करेगा, यानी ज्यादा प्राइमरी आयोनाइजेशन करेगा। तो जितना ज्यादा प्राइमरी आयोनाइजेशन, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, पॉजिटिव आयन्स भी जाते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो एनोड की तरफ या सेंट्रल वायर की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो मतलब वायर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो प्राइमरी
आयनाइजेशन के प्रोपोर्शनल आते हैं, जितने आयन आने हैं वो प्राथमिक आयनाइजेशन के साथ समानुपाती होते हैं, इसीलिए इस रीजन को प्राइमरी आयनाइजेशन को सॉरी इस रीजन को प्रोपोर्शनैलिटी रीजन बोलते हैं। एक रीजन से और इसे प्रोपोर्शनैलिटी रीजन बोलते हैं, क्योंकि इस रीजन में जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू इसके साथ प्रोपोर्शनल बढ़ती है, ये स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट आती होती है, इसीलिए इसको प्रोपोर्शनैलिटी रीजन बोलते हैं। बुक में थोड़ी स्ट्रेट नहीं शो की होती लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही मिलती होती है, ठीक है। इस रीजन के अंदर हमारा कौन सा काम करता है, प्रोपोर्शनल काउंटर काम करता है। और गैस मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको क्या बताया कि गैस के अंदर और ज्यादा आयन्स क्रिएट होते रहते हैं, और मतलब यानी कि प्राइमरी आयनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बनते हैं ना वो गैस के अणुओं से टकराते हैं और ज्यादा वो आयन बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब एवलांश शुरू हो जाता है। एवलांश का मतलब यही होता है ना आयन्स का बनते जाना, तो मतलब इन आयन्स के कारण प्राइमरी आयनाइजेशन के कारण पूरे चैम्बर में एवलांश शुरू हो जाता है, इस एवलांश को टाउनसेंड एवलांश भी बोलते हैं। और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ये जो प्राइमरी आयनाइजेशन से जितने इलेक्ट्रॉन बने वो इस एनोड की तरफ खींचते चले जा रहे हैं और रास्ते में भी ये टकराते जा रहे हैं, अदर आयन भी बनाते जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो मेन करंट आता है ना उस प्राइमरी आयनाइजेशन पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो करंट है वो प्राइमरी आयनाइजेशन यानी नंबर ऑफ प्राइमरी आयन्स पे डिपेंड करता है। तो जब एक कॉन्स्टेंट को हटाते हैं तो वहां से एक जो कॉन्स्टेंट आता है मतलब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो उस कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बोलते हैं। और वैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ गैस क्या होता है कि गैस के अंदर मल्टीपल ऑफ आयन्स बनते जा रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी क्यों, क्योंकि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है करंट की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। बुक के अंदर इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और कर्व्ड दिखाया लेकिन ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही होता है, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल ही बनता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब वोल्टेज मेरी पहुंच गई V3 पे, वोल्टेज को मैंने V3 से क्या किया मान लिया V4 गई, 500 वोल्ट जो मैंने माननी हुई थी उससे और ज्यादा बढ़ा दी, मान लो कि मैं 500 से अब किस पे जा रही हूँ 800 वोल्ट पे जा रही हूँ, ठीक है, वोल्टेज को हम और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी रीजन ही एक ऐसा रीजन आ गया था जहाँ पे हमारे पास क्या हुआ आयन्स और बनने शुरू हुए, यानी कि जो हमारे पास प्राइमरी आयन थे उन्होंने सेकेंडरी टर्शरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ आयन्स बनाने शुरू कर दिए, जिसके कारण अब देखो काफी सारे आयन तो इस चैम्बर के अंदर ऑलरेडी क्रिएट हो गए, प्राइमरी आयन को छोड़ के और भी बहुत सारे आयन्स बने, और भी बहुत सारे पॉजिटिव आयन बन गए, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन फिर से गैस के अणुओं से टकराते जा रहे थे जैसे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी में बताया, यहाँ पे मैंने बताया, तो मतलब काफी सारे आयन बन गए। इस केस में जब वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो जितने सारे आयन बने थे मल्टीपल ऑफ आयन्स बनने शुरू हुए थे प्रोपोर्शनैलिटी रीजन में इस तीसरे रीजन में, तो वो सारे के सारे आयन अपने अपने एनोड की तरफ अपने अपने कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, जिसके कारण पल्स हाइट एकदम से बढ़ती है, क्यों, क्योंकि अब सारे के सारे आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो जो करंट की वैल्यू होती है इस रीजन को लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी रीजन बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को मैं प्रो लिख रही हूँ और रीजन को आर ही लिख दिया, ठीक है, यानी सीमित अनुपातिक क्षेत्र। अब एक लास्ट रीजन रह गया, देखो सीमित अनुपातिक क्षेत्र इसको क्यों बोला, लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी रीजन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इस रीजन में क्या था, वोल्टेज या करंट किस पे डिपेंड कर रहा था, एनोड की या कैथोड पे जो आयन्स कनेक्ट हो रहे हैं वो प्राइमरी आयन्स की संख्या आपके समानुपाती आ रहे थे, इसीलिए समानुपाती आने के कारण इसका नाम प्रोपोर्शनैलिटी रीजन दिया। लेकिन यहाँ पे देखो इस रीजन तक जैसे जैसे वोल्टेज V3 तक पहुंची तो सेकेंडरी टर्शियरी और कितना सारा आयनाइजेशन हो गया, तो इस रीजन में जैसे वोल्टेज को V3 से V4 पे लेके जाते हैं तो और भी बहुत ज्यादा आयन बने हुए थे सेकेंडरी टर्शियरी या मल्टीपल ऑफ जो आयन्स बने थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोड की तरफ जाने शुरू कर जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड की आना शुरू कर देंगे और जो पॉजिटिव आयन्स है वो कैथोड की ओर आना शुरू करेंगे। तो मतलब अब जो करंट बन रहा था उसके अंदर सिर्फ प्राइमरी आयनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन ना रह के बाकी भी आयन्स का रह जाता है, यानी कि प्राइमरी आयनाइजेशन पे के समानुपाती करंट नहीं मिल रहा, करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है लगातार, इसीलिए इसको लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी रीजन बोलते हैं। और इस रीजन में यहाँ पे दोनों जो हाई और लेस चार्ज पार्टिकल है दोनों की जो मतलब जो पल्स हाइट है वो सेम मिलती है, मतलब इस रीजन में अब गैस के पास इतने सारे आयन्स हो जाते हैं कि पहले हमने कैसा पार्टिकल डाला था उसकी चाहे ऊर्जा कम हो चाहे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई पीक ऑफ पल्स हाइट मिलती है, इसीलिए दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी रीजन में कोई भी काउंटर काम नहीं करता, क्योंकि इस रीजन में कोई काउंटर काम इसलिए नहीं करता क्योंकि
यहाँ पे ना तो हम लेस एनर्जी चार्ज पार्टिकल यानी नीचे वाली जो पल्स थी उसके बीच में और ना ही हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हम क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं। दोनों आपस में जुड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि मल्टीपल ऑफ गैस के अंदर आयंस बन चुके हैं। अब अगले रीजन में देखो, वोल्टेज को मैं V3 से V5 पे करूं, अब वोल्टेज को मैंने 800 से भी और बढ़ाया, मान लो मैं 1100 कर रही हूं, अब वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाया, पहली बात तो दोनों की पल्स साइड मिल गई क्योंकि सेकेंडरी और इतने सारे आयंस बन गए कि बहुत सारे आयंस बन गए, कारण करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ रही है। अब लेस या हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। तो देखो जैसे जैसे वोल्टेज V4 से V5 पे किया तो अपने को पता है करंट की वैल्यू क्या आएगी, फिर से बढ़ेगी और हमें एक स्ट्रेट लाइन सी मिलती है। इस रीजन को बोलते हैं प्लेटो रीजन, प्लेटो क्षेत्र, और इसी रीजन में हमारा तीसरा काउंटर GM काउंटर काम करता है। GM काउंटर का नाम GM काउंटर इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल ने एंट्री की या लेस एनर्जी चार्ज पार्टिकल। इस रीजन के अंदर करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ती है क्योंकि सारे के सारे आयंस आते जा रहे हैं अपने अपने इस रीजन के अंदर। लेकिन इस रीजन के अंदर क्या होता है, हम हाई या लेस चार्ज पार्टिकल के अंदर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो पल्स ना मिलकर एक सिंगल पल्स मिल रही है। लेकिन ये काउंटर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको काउंट बहुत अच्छे से करता है, मतलब काउंटिंग की एफिशिएंसी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर ये पता करना हो कि दो पार्टिकल डाल के किसकी एनर्जी ज्यादा और किस पार्टिकल की एनर्जी कम है तो वो ये काम नहीं कर सकता। इस रीजन को प्लेटो रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक प्लेट टाइप स्ट्रेट लाइन सी मिल रही है, ठीक है। अब वोल्टेज को V5 से मैं और आगे बढ़ाऊं, जो सिक्स रीजन मैंने आपको बोला था, 6 रीजन बनते हैं इसके अंदर, मैं ये चीज रख कर रही हूं। अब वोल्टेज को हम और ज्यादा जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो वोल्टेज को V4 से अगर मैं किसी और V6 पे लेके जाऊं तो उस रीजन में क्या होता है, इस चैम्बर के अंदर अब चाहे चार्ज पार्टिकल डालने ही बंद कर दो, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। मतलब अब किसी चार्ज पार्टिकल की जरूरत ही नहीं है, मतलब क्योंकि वायर हमने इतनी पतली लगाई होती है और वोल्टेज को हम इतना हाई कर दें तो उसके बाद क्या होता है, जो चैम्बर के अंदर जो एनोड लगाया हुआ, पतली सी वायर लगाई है, वो जल जाएगी जिसके कारण पूरा का पूरा एपरेटस खराब हो जाएगा। इसीलिए इस रीजन में यानी V5 टू V6 वाले रीजन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू होता है यानी कि स्पार्किंग शुरू हो जाती है, यानी कि एनोड जो होता है पतली सी वायर होने के कारण इतनी ज्यादा वोल्टेज को सहन नहीं कर पाता जिसके कारण वो वायर ही गलना शुरू हो जाती है और इस रीजन में कोई भी काम नहीं करता। इस रीजन में V4 टू V5 रीजन के अंदर GM काउंटर काम करता है, ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं करेगा लेकिन काउंटिंग बहुत अच्छे से करता है कणों की। और यहाँ पे लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी रीजन, मतलब जो करंट इस रीजन में आई किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, प्राइमरी आयंस के, प्राथमिक आयन के। इस रीजन में क्या है, अब करंट के अंदर सिर्फ प्राथमिक आयन का कंट्रीब्यूशन ना रहके सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, तृतीयक और बाकी सारे का भी कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाता है, यानी कि जो प्रोपोर्शनल चल रहा था इस रीजन में वो चीज खत्म हो जाती है जिसके कारण इसको लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं और दोनों पल्स आपस में मैच हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्टेज होने के कारण हमें एनर्जी उतनी ज्यादा मिलती रहती है। और यहाँ पे आपको पता है कि इसकी प्रोपोर्शन होती है, जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है जिसका नाम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आता है, जिसको एम से शो करते हैं। इस रीजन के अंदर एम की वैल्यू ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट सी रहती है। यहाँ पे सेकेंडरी आयनाइजेशन, टर्शरी और मल्टीपल ऑफ आयनाइजेशन शुरू हो जाता है और यहाँ पे आपको पता है करंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट की होती है और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन भी होता है। लेकिन जब वोल्टेज V1 आ जाती है तब रिकॉम्बिनेशन जीरो हो जाता है और आयनाइजेशन चैम्बर उस रीजन के अंदर काम करता है जहां पर रिकॉम्बिनेशन तो हो जाए जीरो। मैं रिकॉम्बिनेशन को री लिख रही हूँ, आर ई री जीरो, लेकिन और फर्दर आयनाइजेशन ना फर्दर लिख रही हूँ, फर्दर आयनाइजेशन भी नहीं होता और रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होता, यानी कि सिर्फ हमें एक कॉन्स्टेंट सी पल्स साइड की करंट मिलती है। इसके अंदर क्या है, हम सिर्फ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को ही डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लेस एनर्जी चार्ज पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी में। GM काउंटर में हम कोई हाई या लेस एनर्जी चार्ज पार्टिकल को नहीं कर सकते, सिर्फ काउंट अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इसका बेसिक प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।